लखनऊ से सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत गिरने से मामले में सरोजनी नगर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। लगभग 15 घंटे होने हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी, जिसमें 8 लोगों की मौत और 28 लोग घायल। घटना स्थल पर 4 पोकलैंड मशीन लगातार रेस्क्यू करने में NDRF SDRF की टीम लगी हुई है। अभी तक 30 से 35% ही मलबा हट पाया है। रेस्क्यू टीम लगातार कार्य कर रही है। सरोजनी नगर इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में जो 3 मंजिला इमारत कल शाम को 5 बजे के आसपास गिरी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत और 28 लोग इसमें घायल थे, जिनका लोक बंधु में अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और उनसे हालात के बारे में जानकारी लेंगे। इस समय हम घटना स्थल पर हैं, हम आपको दिखा सकते हैं किस हिसाब से अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि अभी तक मान के चलिए 17 से 18 घंटे हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू टीमें यहां पर लगातार काम कर रही हैं। आपको देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर से जो यहां पर सुरक्षा टीमें तैनात हैं और पूरा प्रशासन यहां पर मुस्तैद है और 3 पोकलैंड मशीनें हैं उस पर उनसे जो रेस्क्यू टीम का जो काम चल रहा है वो लगातार अभी जारी है। अभी कितने लोग इसमें मलबे में दबे हुए हैं अभी तक ये नहीं सुनिश्चित किया जा सका है, बल्कि लगातार अभी भी अधिकारियों के द्वारा बताया जा कई और घंटे भी लग सकते हैं और ये रेस्क्यू टीम जो लगातार काम कर रही है रेस्क्यू करने में। अब देखना ये हुआ कि रेस्क्यू निकलने के बाद इसके नीचे अंदर कितने और लोग दबे होने की जो आशंका जताई जा रही, कितने लोग निकल के बाहर आते हैं। दैनिक भास्कर, रामराज, लखनऊ।